समुंदर पूरा जम चुका है और आप देख रहे हैं पूरा सी जो है बिल्कुल जम चुका है, समुंदर जो है सी पूरा जो है जम चुका है, बर्फ ही बर्फ। ये देखिए पूरा समुंदर जो है जम चुका है, मछुआरे मछली कैसे पकड़ेंगे, एक ग्राउंड जैसा लग रहा है बट ये सी है, जम चुका है ये पूरा समुंदर जो है। तो अब जा रहे हैं अपने होटल के लिए और अभी समय हो रहा है लगभग 7। एसकी एवेन्यू की तरफ में हो जा रहे हैं, इसकी तरफ बैक इसको बोलते हैं रोडिंग। ये हमारे मेट्रो लिगोस्की प्रोस्पेक्ट वाली, दिस इज द मेट्रो स्टेशन ऑफ लिगोस्की। आ गए हैं होटल के फिर से और करेंगे फिर से चाय। मॉर्निंग, तो अभी हम अब मैप देख रहे हैं सेंट पीटर्सबर्ग का और देख रहे हैं आज के हम कहाँ जाएंगे। पूरा मैप ये जो है आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पे थे होटल से अपने आज के विजिट टूर के लिए। आज का टूर अब शुरू हो गया है यहाँ से और अब दिखाएंगे आपको पूरा सेंट पीटर्सबर्ग एक बार फिर। गैलेरिया मॉल पास में है, मेट्रो है, ट्राम चल रहा है, ट्राम। मेट्रो के लिए मेट्रो स्टेशंस थोड़ा सा दूरी पे है, लगभग 100 मीटर की दूरी पे, और रात में चमचमाती हुई ये बिल्डिंग है, ये इमारत है, यहाँ के इतिहास को भी रूबरू कराती हैं। और वही जो आज से 50 साल पहले 100 साल पहले जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था वही आज भी देखने को मिलता है, इसलिए इसको हिस्टोरिकल सिटी और कैपिटल इकोनॉमिक कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। इनको स्पेशल जैकेट दी गई है ताकि सिग्नल जो है येलो का अलर्ट बजता रहे। सामने है जहां आप फाइनली आज का दिन शुरू हो गया है और हम निकल पड़े हैं आज की जर्नी के लिए और हम लोग जा रहे हैं क्रिस्टो लेक पार्क की तरफ हम लोग जा रहे हैं। मेट्रो का टिकट भी मिल गया, सामने कई पब्लिक है, लोग घूम रहे हैं, तो लोग मुस्कुरा भी रहे हैं। बहुत लंबा जो है ये ब्रिज बना है एक्सीलेटर, इसका अंदर जो लेंथ है 300 मीटर के आसपास है, बहुत ही ज़बरदस्त। रशिया का ये जो है इकोनॉमिक कैपिटल है, कल हमने आपको बताया, और आज हम इसे अदर पैलेस से आपको दिखाएंगे कि क्या यहाँ की जो खूबियाँ हैं, क्या क्यों सेंट पीटर्सबर्ग को लोग पसंद करते हैं और क्यों इतना टूरिस्ट के लिए ये फेमस जगह है। तो आज का ब्लॉग आपको बहुत कुछ सिखाएगा और दिखाएगा रशिया के बारे में, बने रहें और देखते रहें हमारे साथ रशिया सीरीज। जा रहे हैं
अटलांटिक सिटी टावर अहेड। लुक ऑन पूरा स्नो फॉल हुआ है इधर, आप देख रहे हैं सेंट पीटर्सबर्ग। सी जो है आगे हम आपको दिखाएंगे और अभी जो है आपको दिखा रहे हैं यहाँ की प्रकृति का नज़ारा, आप देख रहे हैं ब्यूटी ऑफ नेचर। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, स्नो हुआ है, बच्चा साइकिल चला रहा है। पांड जी आ गए हैं और अब हम जाएंगे सी की तरफ, बहुत ही जबरदस्त। और ये पार्क है, लोग घुमा रहे हैं छोटे छोटे। तो अभी हम लोग आ गए हैं 300 ईयर्स ऑफ पार्क में, तिस्तोलेट पार्क बोलते हैं इसको, तिस्तोलेट पार्क। ये यहाँ की जो प्रमुख सरकारी कंपनी जो है गैज़प्रोम, इसने बनाया है। गैज़प्रोम जो है अभी फार ईस्ट में अगर हम लोग बोले तो पूरा साइबेरिया के तरफ के बहुत सारे बड़े बड़े तेल के भंडार और उसके अलावा गैस के भंडार उसके पास हैं। गैस प्रोम जो है यहाँ की जो पेट्रोलियम कंपनी उनमें से अग्रणी है। तो हम लोग जो है अभी हैं वो हैं गल्फ ऑफ फिनलैंड के पास, जो अपनी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। तो यहाँ से आपको जो है सामने ऐसा दिख भी सकता है कि सामने फिनलैंड है, आइलैंड जो है फिनलैंड का है। और बाकी ये जो है लिनिनग्राद की ओब्लास्ट बोलते हैं जिसमें आपका रशिया आता है। तो ये पूरा गल्फ ऑफ फिनलैंड जमा हुआ आप देख सकते हैं, लोग मैदान में सी ये जो है इसका छोर है और लोग जो है इसमें आगे तक घूम रहे हैं। बर्फ आप देखिए बीच में तक वहाँ तक गए हुए हैं जो है, मोहित जी आपको दिखाएंगे मिड ऑफ द सी में लोग गए हैं। सी के ऊपर चल रहे हैं लोग जमा हुआ पानी नीचे है और घुस गए तो इतना मजबूत हो गया, इतना ठंड है कि वो जीरो तक नहीं जा सकता। बहुत दूर तो चले गए लोग तो आप अरे सागर जैसा ये नॉर्डमैन होगा ये देखिए बस फिसलन बहुत तगड़ी है, आराम से आना पंडित जी, अभी घुटना जोड़ना है आपका यार, अभी जोड़ा नहीं है पहले। ओ पूरा जम चुका है, समुद्र का किनारा जो है पूरा जम चुका है। ये हम लोग खड़े हैं अभी गल्फ ऑफ फिनलैंड पे, ये जो है सी के बीचों बीच खड़े हैं जो पूरा जम चुका है, पूरा बर्फ़ में तब्दील हो गया है। और जहाँ तक नज़र जाएगी सिर्फ यही दिखेगा ये, एंड वी आर मिड ऑफ द सी। और ये सेंट पीटर्सबर्ग का बेगोबाया आइलैंड है उसके पास है और ये पूरा जमा हुआ है। -15 डिग्री का भी टेम्परेचर है और ये पूरा जम चुका है, पूरा ही जम चुका है, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक ये जम चुका है पूरा का पूरा। ये देखिए पूरा जमा हुआ है और लोग कहाँ तक चले गए हैं ये देखिए, मोहित जी कहाँ चले गए हैं कितना दूर हमसे। और ये हम नीचे दिखाएं तो ये है, ये जमा हुआ है, ये पूरा जमा हुआ है, फिर से एक बार दिखा रहे हैं। पहले काफ़ी जूम किया हुआ था, अभी जूम पर नहीं है। ये गल्फ ऑफ फिनलैंड सेंट पीटर्सबर्ग के बेगोबाया से पूरा जमा हुआ
सी है पूरा, और काफ़ी ठंड है, कैमरा पकड़ने में थोड़ा सा दिक्कत है, ये बिना ग्लव्स के। और ये देखिए मोहित जी कितना दूर हैं अभी, काफ़ी दूर ये है, और ये मैं हूँ। बहुत ज़बरदस्त ठंड है यहाँ पे। ये है गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ फिनलैंड।